नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 5 अगस्त का दिन कर्मचारियों के लिए लेकर आ गया है बड़ी खुशखबरी। इस दिन मिलेंगे बकाया एरियर के 2,18,000 रुपये। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आ गई है आज तक की सबसे बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कब मिलने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होने जा रही है बल्ले बल्ले रक्षाबंधन। के मौके पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को एक खास तोहफा मिलने जा रहा है। अगस्त में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एक बार फिर 3% की वृद्धि होने जा रही है। हालांकि जून के आंकड़े 31 जुलाई को जारी होने वाले थे, लेकिन उनमें थोड़ी ही देरी हो गई है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 50% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है, जो अब 50% से बढ़कर 53% जल्द ही होने जा रहा है। महंगाई भत्ते का ऐलान सरकार उनका मन करेगा तब करेगी, लेकिन जो भी ऐलान होगा उसकी दरें 1 जुलाई 2024 से ही लागू मानी जाएगी। दोस्तों, महंगाई भत्ते में वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशनर्स की मासिक आय में भी सुधार होगा, जिससे उनकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है। इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों की 2री 6 मई के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने जा रही है और यह बढ़ोतरी सिर्फ 3% की होगी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। वही 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा भी जल्द ही कर्मचारी के खाते में सरकार डालने जा रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को लाखों रुपए का फायदा होगा। तो अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी के बकाया भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारी को 2 लाख रुपए तक का फायदा होगा। लेवल 1 के कर्मचारी का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक होगा। इसी तरह लेवल 13 के कर्मचारी को 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,200 रुपये तक का एरियर मिलेगा। लेवल 14 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के त्यौहार पर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे देने जा रही है, जिसमें महंगाई भत्ता और 18 महीने के बकाया डीए एरियर को शामिल किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।